हेलो गाइस, ये हमारे पास इनोवा गाड़ी आई है। इसमें सस्पेंशन की प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत आती है सस्पेंशन में? क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें सस्पेंशन की? सस्पेंशन खतों में जैसे आवाज आ रही है, बाद में सबके फट रही है। इसमें प्ले पड़ी और जिधर कोई बात है और इसके कुछ तरीके ठीक है और बाकी बोलकर दिखेंगे। मतलब सारी सस्पेंशन कड़े करनी पड़ेगी। यहाँ से साउंड आती थी मेरी। कस्टमर की कंप्लेंट भी यही थी कि गाड़ी आके से मतलब ऐसे फ्लक्चुएट करती थी। चलो ठीक है। इसके नट बहुत जाम हो गए हैं मिट्टी लगने के कारण और हम इसके ऊपर एंटी रस्ट स्प्रे करेंगे ताकि इसके नट बोल्ट जो है आसानी से लूज हो सके। जिस तरह देख सकते हैं आप, इनका अभी शायद मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम से खुले नहीं है, सस्पेंशन हो नहीं रखती इसकी मेरे को हिसाब से इसकी काफ़ी। तो जिस तरह से एंटी रस्ट वगैरह का यूज़ करने के बाद ये नट थोड़े से इजीली खुल जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर ये रस्टा वगैरह यूज़ होता है, हम गुड क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करते हैं जिससे कि ये नट बोल्ट वगैरह इजीली खुल जाते हैं इससे। अभी नहीं तो ये काफ़ी टाइट थे। ये इसकी सस्पेंशन बहुत मतलब हार्डनेस होती है इसमें, उसकी वजह से ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं। थैंक यू। अगर कोई इन फ्यूचर किसी का अगर किसी भाई को या किसी को लगता है कि प्रॉपर नहीं खुल रहा है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे इजीली खुल जाता है ये। जैसा कि हम देख सकते हैं इसके बोल्ट जो है बिल्कुल कट गए हैं, ये यहाँ से कट हो गए हैं, इसकी वजह से साउंड हो रही है सर। इसलिए मतलब इसमें कंप्लीट हम ये नहीं चेंज करते हैं, इसमें ये अकेला ये भी चेंज कर सकते हैं। इसके चेंज होंगे। चलो आप बाकी सस्पेंशन खोल के मैं एक बार फिर कस्टमर को इस हिसाब से बताएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने ये वगैरह हमने पार्ट वगैरह चेंज कर दिए इसके एंड वगैरह। तो क्या करा अभी आपने? अभी इसके बुश नए डलवा के आए हैं कार पर और इसके बाल जो हैं नमें डलवा दिए हैं। ओके। जो पिछले वीडियो में देखा आपने कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जे ये अब नहीं है। कौन कौन से बुश डलवाए आपने? जे अपने जे अपर लोअर बाल जो हैं अपर लोअर बुश ये भी सारे हैं ना? ये भी सारे। चलो अब इसके बाद टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे बाकी फिटिंग हो रही है अभी।